الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد हमने 36 अहादीस बमा फवाइद और मसाइल हमने कंप्लीट कर ली हैं और पिछली हदीस में नंबरिंग का मसला था। हदीस नंबर वो 36 थी 36, लेकिन उस पर 35 नंबरिंग जो है वो की हुई है, इस वजह से आपको ये जो है वो डाउट वगैरह नहीं होना चाहिए इश्काल कि नंबरिंग में मसला है। हकीकत में अहादीस कोई इसमें जो है वो मिसिंग वगैरह नहीं है। तो ये हमारे पास 37 नंबर हदीस है। इंशाल्लाह आज हम इख्तिसार से फिकी अहकाम और मसाइल को इख्तिसार से पढ़ेंगे, ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि राजी जिक्र किया जाए, इल्ला के जहाँ कहीं ज़रूरत है इख्तिलाफ़ को पढ़ने की तो इख्तिलाफ़ पढ़ा जाएगा। कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा अहादीस आइंदा से हम पढ़ें। हमारे पास सबसे पहली हदीस सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की है। कौन आप में से पढ़ेगा हदीस, प्लीज जल्दी कोशिश किया करें। जब मैं कहूँ हदीस शुरू, एक एक स्टूडेंट जो है वो शुरू कर दिया करें। हाँ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنشر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. متفق عليه. जी, यहाँ इस हदीस के रावी सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है और इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए, हदीस ये सही बुखारी मुस्लिम में है, इसकी सेहत और ज़ाफ़ के बारे में गुफ्तगू करने की हाजत और ज़रूरत नहीं है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तफसीली तारुफ हम हदीस नंबर 1 के तहत पढ़ चुके हैं। उनसे रिवायत है कि इस्तैयक़ज़ा इस्तैयक़ज़ा यस्तैयक़ज़ु, इस्तेकाज़ का माना होता है नींद से बेदार होना, और ये पहले भी इस बारे में जो है वो अल्फाज गुजर चुके हैं और उनकी वजाहत भी गुजर चुकी है। और इसमें मनामी ही, मिन मनामी ही, इसमें जो मनाम है इसकी इसको जो है वो यहाँ मुतलक जिक्र किया गया है, इसको यहाँ मुतलक जिक्र किया गया है, यानी इजाफत की गई है बेदार होने वाले की तरफ। इससे मुराद अगर हम सिर्फ मनामी ही यानी अपनी नींद से अगर हम इसको देखें तो इससे तो पता चल रहा है कोई भी नींद हो, कोई भी अगर नींद है तो वो इससे मुराद है कि जब इंसान कोई भी आदमी नींद से बेदार हो किसी तरह की भी नींद से तो वो ये काम करे। लेकिन हदीस का आखिर बता रहा है कि इससे मुराद रात की नींद है, जैसे हदीस में ना यबीतु बात है यबीतु, तो इसने हमें बताया कि यहाँ मनामी ही से मुराद मुतलक नींद नहीं बल्कि रात की नींद है। फल यस्तन फिर इस्तन सरा यस्तन फिर इस्तार से है और इसमें लामे अमर है और मुराद यहाँ अमर है, हुक्म है, उसे चाहिए कि वो नाक को 3 दफ़ा झाड़े, यानी जब नींद से कोई बेदार हो तो अपनी नाक को 3 दफ़ा झाड़े। वजह क्या है, क्योंकि शैतान यबीतु बात यबीतु रात गुजारता है, बात यबीतु बैतूता जो होता है रात गुजारने को कहते हैं। अला खैशूमी ही, खैशूम जो है इसकी जमा खयाशीम आती है, इसकी जमा खयाशीम आती है और खैशूम से मुराद नाक या नाक का बांसा, दोनों तरह अरबी जुबान में दोनों चीज़ों पर इतलाक होता है। खैशूम का इतलाक पूरी नाक पर भी होता है और इसका इतलाक जो है वो नाक की जो ऊपर वाली हड्डी है जिसको हमारे यहाँ बांसा बोलते हैं, ये वाला हिस्सा, इस पर भी खैशूम का जो इतलाक है ये होता है। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं, फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा इस्तैयक़ज़ा अहदुकुम, जब बेदार हो तुम में से कोई एक, इदा का माना जब, इस्तैयक़ज़ा बेदार होना, अहदुकुम तुम में से कोई एक, ये अहदु जो है इस पर पेश इस वजह से आई है क्योंकि इस्तैयक़ज़ा का फाइल है, इस्तैयक़ज़ा फेल का ये फाइल है और इस वजह से ये मरफू है हालत रफा में और ये मुजाफ है और कुम मुजाफ इलैह है। मिन मनामी ही अपनी नींद से, तो मनामी क्यों है, मिन जारा की वजह से, अपनी नींद से जब तुम में से कोई बेदार हो, फल यस्तन फिर बस चाहिए कि वो अपनी नाक को झाड़े तलासन 3 दफा, क्यों आपने रीजन बताई वजह बताई। फइन्ना शैताना, चूंकि शैतान जो है मैं पहले बता चुका हूं कि इन्ना अन्ना जो है ये इसम पर जब दाखिल होते हैं तो उसको नसब देते हैं, इन्ना अन्ना जब इसम पर दाखिल होते हैं तो उसको नसब देते हैं, तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया फइन्ना शैताना, बेशक शैतान यबीतु वो रात गुजारता है, अला खैशूमी ही
उसकी नाक पर या उसके नाक के बांसे पर, यानी जो नाक के ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ रात को शैतान पूरी रात गुजारता है। देखिए इस तरह की जो अहादीत है इसमें हमें नबी अलैहिस्सलाम की खबर पर ईमान और यकीन होना चाहिए कि यकीनन शैतान इंसान के बांसे पर नाक पर जो है वो रात गुजारता है, और अगर इंसान जो है वो नाक को नहीं झाड़ता तो इससे उसके अंदर सुस्ती पैदा होती है, और फिर नमाज के लिए वो उसको जो है वो नमाज के लिए जाने से रोकता है, उसके अंदर अजीबोगरीब किस्म के ख्यालात और वसवसात पैदा करता है। तो उसका इलाज ये है कि जब इंसान कोई बेदार हो तो उस वक्त वो अपनी नाक को झाड़े। और ये इस तरह की जो अहादीत हैं जिनमें हमें बज़ाहिर वो चीज़ नजर नहीं आती, ये हमारी अकल के दायराकार से बाहर है, इस वजह से इनके अंदर खबर पे यकीन रखना जरूरी है, इनके अंदर खबर पे यकीन रखना जो है वो जरूरी है। इस हदीस के अंदर हमें कई एक फवायद मिलते हैं जिनमें से चंद एक ही तरफ हम इशारा करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हदीस में नींद से बेदार होने के बाद 3 बार नाक झाड़ने का हुक्म है, और ये नाक में पानी चढ़ाने के बाद होगा, और इसका मकसद शैतानी असर को जायल करना है, और इसका मकसद शैतानी असर को जायल करना है। इस हदीस से मालूम होता है कि शरीयत के बहुत सारे मसाइल में 3 के अदद का एतबार किया गया है, जिनमें से एक मुकाम ये है। लेकिन इसका यह हरगिज मतलब नहीं है कि जो नसारा का अकीदा है, अकीदा तकलीफ के 3 इला हैं, वो इससे साबित होता है, क्योंकि वो ये दलील देते हैं कि तुम्हारी शरीयत के अंदर कई मसाइल में 3 के अदद को मुरूज खातिर रखा गया, लेकिन इसकी कोई दलील नहीं। वल्लाहु आलम 3 के अदद को बाज अहकाम में क्यों मद्देनजर रखा गया, साफ जरे बाज 4 भी हैं, बाज इसके अलावा 2 का आदत भी है, 1 का आदत भी है, मुख्तलिफ इसके बारे में तादाद है, लेकिन अपनी तरफ से इसकी कोई रीजन और इल्लत बना लेना ये दुरुस्त और जायज नहीं है। नबी करीम अलैहिस्सलाम के हुस्ने तालीम का जिक्र है कि आप सहाबा इकराम को जब कोई जो है वो ऐसा मसला बयान करते कि जिसको बजाहिर यानी लगता कि शायद ये समझ ना आए, तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम उसकी इल्लत जिक्र कर देते, उसकी रीजन जिक्र कर देते, ताकि जो है वो लोगों के अंदर निशात और चुस्ती पैदा हो, और वो इसको अमल करते हुए उनको पता हो कि इसका हमें फायदा क्या जो है वो हासिल होगा। हदीस में नबी करीम अलैहिस्सलाम की सदाकत की दलील है कि अल्लाह के नबी अल्लाह के सच्चे रसूल हैं, और आप जो है वो खातमुन नबीयीन हैं, और आप वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयू यूहा, वही के बगैर नहीं बोलते। उसकी दलील क्या है, कहाँ से हमने ये लिया इस हदीस से, क्योंकि तो ये चीज जो हदीस में बताई गई है कि शैतान इंसान के नाक पर, इंसान की नाक पर या उसके नाक के बांसे पर रात गुजारता है, ये जो है वो एक ऐसी चीज है जिसको हम महसूस नहीं करते, जिसको हम महसूस नहीं करते, अलबत्त उसके आसार बाद में नजर आते हैं, सुस्ती की सूरत में या नौसत की सूरत में या अजीबोगरीब किस्म के इंसान की हालत और जो है वो कैफियत हो जाती है, लेकिन ये कि हमें नजर नहीं आता। तो जिन चीजों के अंदर हम महसूस नहीं कर सकते, नबी अलैहिस्सलाम ने खबर दी है, यकीनन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम भी जो है वो मेडिकल साइंस नहीं पढ़े हुए थे, ना आपके पास कोई ऐसे आलात थे कि जिनसे आप वो देख सकते, आपने भी अल्लाह ताला ने जैसे खबर दी उस तरह आपने उम्मत तक पहुंचाया है, और ये खबर उस जमाने के अंदर बगैर वही के नहीं दी जा सकती, क्योंकि हम महसूस तो करते नहीं, इसका मतलब ये नबी अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो ये खबर दी है, और ये आपकी सदाकत और आपके सच्चा रसूल होने की दलील है। यहाँ इश्काल ये है कि क्या इस हदीस में जो नाक झाड़ने का हुक्म है ये रात की नींद के साथ खास है, या जब भी आदमी सोएगा उस वक्त जो है वो ये नाक झाड़ेगा। इस मसले के अंदर इख्तिलाफ है, बाज ने जो है वो हदीस को उमूम पर महमूल किया है, बाज ने हदीस को खुसूस पर महमूल किया है, यानी बाज ने कहा कि हदीस में आखिर में आया यबीतू, यानी रात गुजारता है शैतान, तो जब आखिर में रात का जिक्र आ गया इस मतलब ये है कि ये रात के साथ हुक्म खास है, और दूसरे फरीक ने कहा कि नहीं रात का जिक्र तकलीबन, यानी चूंकि अक्सर इंसान रात को सोता है और गहरी नींद रात को होती है, इस वजह से रात का जिक्र कर दिया, अगर सुबह इंसान गहरी नींद सो जाता है तो तब भी इंसान को उठकर जो है वो नाक झाड़नी चाहिए, ताकि उसके अंदर ये जो सुस्ती वगैरह ये खत्म हो जाए। अब अगर हम दोनों के दलाइल को देखें या दोनों की तौजीहात को देखें, तो सही बात यह है कि असल हुक्म रात के लिए है, असल हुक्म रात के लिए है, लेकिन अगर कोई बंदा रात को सोता ही नहीं, उसकी ड्यूटी जो है वो मतलब नाइट की है, रात की ड्यूटी है, वो सुबह सोता है, उसकी साजर है कि ये हुक्म सुबह होगा, इस तरह अगर कोई सुबह गहरी नींद सो जाता है तो उसके लिए भी हुक्म होगा, तो हम कहेंगे कि असल रात के लिए है, लेकिन अगर कोई सुबह भी गहरी नींद सो जाता है तो उसके लिए भी हुक्म यही होगा, ताकि वो जो है इस जो है वो हदीस पर अमल करके सुस्ती वगैरह से बच सके। लेकिन हदीस के अंदर एक बड़ी आम चीज की तरफ तवज्जो देना जरूरी है, और वो ये है कि अल्लाह के नबी ने रात गुजारने का जिक्र किया है, दिन गुजारने का जिक्र नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम ने रात गुजारने का जिक्र किया, दिन गुजारने का, इसका मतलब यह है कि
अगर कोई इंसान दिन को सोता है तो क्या उस वक्त भी शैतान उसकी नाक पे रात गुजारता है, यानी दिन गुजारता है, इस बारे में कोई दलील नहीं। रात गुजारने की तो हदीस हमारे पास मौजूद है, दिन के बारे में कोई नहीं। तो इस वजह से ज्यादा मजबूत मौका वो है जिसमें सिर्फ रात का जिक्र है, जो कहते हैं कि रात को ये जरूरी है इंसान जब रात की नींद से बेदार हो, चूंकि उमूमन रात की नींद गहरी होती है, सुबह जितनी भी इंसान की नींद हो उस कदर नहीं होती जो रात में। इस वजह से अल्लाह ताला वजह लिबासा, हमने रात को जो है वो लिबास बनाया है, यानी उसके अंदर आराम और सुकून जो है ये मुफीद होता है। जो इंसान रात को नहीं सोता, सुबह सारा सारा दिन भी सोया रहे तो वो रात की कमी पूरी नहीं होती। बहरहाल हम कहेंगे कि अगर सुबह इंसान जो है वो झाड़ लेता है नाक को तो अच्छी बात है, फायदा है इसमें चुस्ती। वैसे भी उमूमन ये तजुर्बे की बात है कि जब नींद इंसान की ना जा रही हो, अगर आप नाक को झाड़ लेते हैं तो उससे इंसान के अंदर चुस्ती पैदा हो जाती है और वो सुस्ती वगैरह जो है वो खत्म हो जाती है। अब ये हुक्म वजूब के लिए है या इस्तेहबाब के लिए है? तो हमने कहा कि रात की नींद से बेदार होने वाले के लिए लाजिम है, लेकिन जो है वो अगर कोई इसके अलावा अगर कोई उठता है नींद से, या तो उसके लिए मुस्तहब है या मतलब वो अमल करता है या नहीं करता, लेकिन रात के लिए ये जो है वो हुक्म लाजिम है। अलबत्ता बाज़ उलमा इसको इस्तेहबाब पर मामूल करते हैं, वजूब पर मामूल। लेकिन सही बात यह है कि हदीस में अमर है, हुक्म है, और हुक्म वजूब पे दलालत करता है, इल्ला के उसको फेरने का कोई करीना आ जाए, लेकिन यहाँ कोई करीना और दलील मौजूद नहीं है। इसके बाद हमारे पास हदीस है, बिल्कुल इसी से मिलती जुलती हदीस है, लेकिन यहाँ हुक्म थोड़ा मुख्तलिफ है, अमल मुख्तलिफ है, और वो है कि यहाँ नाक झाड़ने का है, लेकिन इस हदीस में हाथ धोने का जिक्र है बर्तन में दाखिल करने से पहले। हाथ को धोने का जिक्र है बर्तन में दाखिल करने से पहले, और मसला ये भी रात की नींद से मुताल्लिक है। कौन आप में से हदीस पढ़ेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वअन्हु इज़ा इस्तैकज़ा अहदुकुम मिन नौमिही फला यग्मिस यदाहु फिल इनाई हत्ता यग्लिसहा सलासा हत्ता यग्सिलाहा, फ़इन्नहु ला यद्री अयना बातत यदुहु। मुत्तफ़िक़ अलैह व हाज़ा लफ़्ज़ मुस्लिम। अहसन। इस हदीस के रावी भी सैयदना अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु है। वह अन्हु ये जमीर जो है वो हु लौट रही है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु, यानी गुज़श्ता रावी की तरफ। इस हदीस में है इदस्तैकज़ा अहदुकुम, वही हदीस है, वही अल्फाज हैं, मिन नौमी ही, यहाँ तक तो गुज़श्ता हदीस के अल्फाज हैं। फरमाया कि जब तुम में से कोई अपनी नींद से बेदार हो, फला यगमिस यदहु, तो ना वो डबोए। गमसा यगमिसु का माना होता है डबोना, ये मुजारे है और इस पर जो है वो ला नाहिया दाखिल हो गया, जिस वजह से मजजूम है। फला असल में यगमिसु है, लेकिन चूंकि ला नाहिया आ गया है जिसमें नहीं है, रोका गया है, तो इस वजह से हम मुजारे को मजजूम पढ़ेंगे। जब मुजारे पर ला नाहिया दाखिल हो जाता है तो उसको जज़्म दी जाती है उसको, यानी मजजूम पढ़ा जाता है। तो फला यग्मिस, बस ना वो डबोए दाखिल करे यदहु अपने हाथ को। ये यदहु ये मंसूब क्यों है? मफूल होने की वजह से। गमा सा यग्मिस फिल इनाई बर्तन में, हत्ता यहाँ तक के यग्सिलाहा, हत्ता के बाद अन यहाँ मुकदर माना जाएगा जो मुजारे को नसब देगा। हत्ता यक सिला, ताकि वो धोले उसे सलासन 3 दफा। फइन्नहु, क्योंकि वो ला यदरी नहीं जानता, दरा यदरी का माना होता है जानना, तो ला नहीं यदरी जानता, अइना बातत कहाँ रात गुजारी है, यदुहु उसके हाथ में। तो बातत जो है ये मुअन्नस क्यों है? यद की वजह से, जिस्म के जितने अज़ा भी डबल हैं उनकी तरफ मुअन्नस की जमीर के साथ इशारा किया जाएगा या उनको मुअन्नस पढ़ा जाएगा। मसलन हादी ही यदि कहेंगे, हादा यदि नहीं कहेंगे, हादी ही यदि, हादा यदि नहीं कहेंगे। तो उसी तरह यहाँ अई न पातत, पाता नहीं बल्कि पातत है मुअन्नस, क्योंकि यदु ये मुअन्नस, चूंकि दो हाथ होते हैं इंसान के, तो इस वजह से जितने अज़ा डबल हैं पार्ट इंसान के उनके अंदर उनको मुअन्नस के साथ जो है वो उनकी तरफ इशारा किया जाएगा। तो फरमाया कि वो नहीं जानता, अना कहाँ, अना कहाँ बातत रात गुजारी है यदु उसके हाथ में। मैं लफ्जी तर्जमा इस वजह से करता हूँ ताकि आप तर्जमा करना सीखें, आप तर्जमा करना सीखें। मिड टर्म के अंदर, वाइवा के अंदर बड़ी मुझे बहुत अफसोस हुआ, मुझे आप लोगों के तर्जमे देख करके, आप लोग जो है वो कोशिश नहीं करते लफ्जी तर्जमा करने की। हालांकि मैं लफ्जी तर्जमा इस वजह से करता हूँ और बार बार करता हूँ ताकि आप जो है वो लफ्जी तर्जमा करना सीखें। बाकी बामुहावरा तो किताबों के अंदर भी होता है, बामुहावरा तर्जमा तो किताबों के अंदर भी होता है, लेकिन लफ्जी तर्जमा करना आपको आना चाहिए। और जैसे क्लास के अंदर मैं करता हूँ उसी तरह हिसाब जरा सुनना होता है ताकि पता चले कि स्टूडेंट को लफ्ज का माना आता है कि नहीं। जुबानी रट्टा लगाना तो आसान है, लेकिन लफ्ज को समझ कर उसका माना करना, फेल फाइल के एतबार से
और ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए ये बड़ा अहम है। तो फरमाया मुत्तफकुन अलैहि हदीस, ये मुसन्निफ कहते हैं मुत्तफकुन अलैहि बुखारी मुस्लिम है, वहादा लफ्ज़ मुस्लिम, और ये अल्फाज इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ताला के हैं। इस पे हम पहले बात कर चुके हैं कि फला यगमिस का क्या माना है, मीन नौमी ही, इसकी पिछली हदीस में वजाहत गुजर चुकी है, हदीस का तर्जमा भी हो चुका है। हदीस के फवायद, हदीस में नींद से बेदार होने के बाद हाथ को पानी के बर्तन में दाखिल करने की ममानत का बयान है, हत्ता कि उसे 3 बार धो लिया जाए। और इसमें इल्लत और रीजन ये है कि इंसान जब रात को सोता है, कोई पता नहीं उसका हाथ कहाँ कहाँ फिरता है, हाथ पे निजासत भी लग जाती है, इंसान खारिश भी कर लेता है शर्मगाह वगैरह पे या किसी जगह पे, अब उसमें जरासीम लगे होते हैं, कदीम जमाने में बर्तनों में पानी रखा होता था, तो अगर सीधा आदमी हाथ पानी में दाखिल कर दे, हो सकता है उसमें नजासत हो, पानी को नजस कर दे, या हो सकता है वो पानी उसको पीना पड़ जाए बाद में, वो जरासीम वगैरह जो है वो सारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाएंगे मेदे में और बीमारियों का मूजिब और सबब बनेंगे। तो सुभान अल्लाह किस कदर जो है वो नबी अलैहिस्सलाम हकीम है कि आपने अपनी उम्मत की मसलत के लिए, उसके फायदे के लिए सिर्फ जो है वो तहारत में एहतियात नहीं, बल्कि इंसान की वो चीजें जो इंसान के लिए नुकसानदेह हैं उनके अंदर भी एहतियात से जो है वो काम लेने की तलकीन की गई है और तरगीब जो है वो दिलाई गई है। तो यहाँ जो है वो रात सोने में इंसान को नहीं पता कि इंसान का हाथ कहाँ कहाँ फिरता है, अगर पानी में दाखिल कर देगा तो साफ जाहिर है कि वो पानी या तो नजस हो जाएगा अगर थोड़ा है, या फिर ये है कि वो उसमें जरासीम वगैरह जो है वो दाखिल, इस वजह से पानी पहले उंडेले अपने बाएं हाथ पर और उससे जो है वो दोनों हाथों को पहले धोए, उसके बाद फिर हाथ को अंदर दाखिल करके पानी लेकर जो है वो कुली वगैरह करे या जिस तरह भी है। तो ये आजकल चले चूंकि टूटियां वगैरह इस तरह की चीजें होती हैं, तो फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो है अपने हाथों को धोएं जैसा कि इसकी हम वजाहत जो है वो करते हैं। अब यहाँ हदीस में है फला यकमी सियादा हु, मैं इसकी वजाहत कर दूं पीछे हदीस में जाकर, फला यकमी सियादा हु बस ना दाखिल करे अपने हाथ को। देखें यद का इतलाक जुज पर भी होता है कुल पर भी, यानी ये नहीं कि बंदा मुकम्मल हाथ दाखिल ना करे लेकिन कुछ उंगलियां डाल ले, नहीं, यहाँ इतलाक जुज पर भी हो रहा है कुल पर भी, यानी कुछ उंगलियां भी दाखिल ना करे और मुकम्मल हाथ भी दाखिल ना करे, क्योंकि दोनों का हुक्म बराबर है, उंगलियां भी तो नजस हो सकती, जब हाथ नजस हो सकता है पूरा तो उंगलियां भी हो सकती, तो यद का इतलाक कभी जुज पर होता है कभी कुल पर होता है और कभी पूरे बाजू तक जो है वो आखिर तक भी यद का लफज जो है वो बोला जाता है। तो ये ऐसा लफज है कि जिसका इतलाक आम भी है खास भी है और जुज पर भी है और कुल पर भी है, तो यहाँ दोनों तरह की मुराद है, जुज भी दाखिल नहीं कर सकते हाथ का और पूरा हाथ भी दाखिल पानी में नहीं कर सकते, ये इसकी वजाहत है जो काबिले वजाहत ही मैंने कर दी है। अच्छा यहाँ हदीस से पता चलता है कि यहाँ अई न बातत यदु, तो उसको पता नहीं उसका रात कहाँ कहाँ हाथ उसका हाथ फिरता रहा, इसका मतलब ये हुक्म रात की नींद के साथ खास है। और मसला वही है जो पीछे हमने जिक्र किया, जैसे पीछे हमने पढ़ा है कि जो है वो इंसान की, देखें रात की नींद चूंकि गहरी होती है उसमें इंसान को शऊर नहीं होता, लेकिन उमूमन सुबह इंसान को शऊर होता है, दिन की नींद के अंदर उस तरह गहरी नहीं होती, इस वजह से ये रात को हुक्म दिया गया है। लेकिन अगर किसी इंसान की नींद दिन को भी गहरी है और उसको पता नहीं चला कि उसका हाथ कहीं फिरता रहा हो, तो एहतियात यही है कि वो उसको हाथ को धो ले। अब इंसान को रात को उसके हाथ अगर नंगे हैं तो दो हाल से खाली नहीं, या तो उसको यकीन है कि उसका हाथ जो है वो नजस है, या उसको शक है, या उसको यकीन है कि उसका हाथ पाक है। अगर उसको यकीन है कि उसका हाथ नजस है नापाक है यानी कहीं रात को लगा है, तो वाजिब है कि वो हाथ धोकर बर्तन में दाखिल करे। अगर उसे यकीन है कि उसका हाथ पाक है, ग्लव्स वगैरह पहने हुए हैं, दस्ताने वगैरह पहने हुए हैं, या कोई और तरीका है, तो इस सूरत में हाथ धोना मुस्तहब है लेकिन वाजिब नहीं। लेकिन अगर उसे जो है वो शक है कि उसका हाथ जो है वो नजस है या नहीं है, जैसे इस हदीस में पैना उला यदरीन बादत यदु, तो फिर उसे चाहिए कि वो जो है वो अफजल और औला और मुअक्कद ये है कि वो हाथ को धोए पहले और फिर हाथों को जो है वो पानी के अंदर, या एक हाथ को पानी के अंदर जो है वो दाखिल करे। ये तत्वीर की सूरत है दोनों तरह के अकवाल में, कि अगर यकीन है हाथ के नजस होने का तो फिर धोना वाजिब है, और अगर यकीन है हाथ के पाक होने का या शक है, तो इन दोनों सूरतों में जो है वो औला और अफजल और मुस्ताब ये है कि वो धो ले, मुस्ताब ये है कि वो उसको धो ले। वल्लाहु आलम। हदीस में जो है इबादात में और मामलात में एहतियात बरतनी चाहिए, इस चीज का फायदा हमें मिलता है, यानी ये फायदा अखज होता है कि हमें इबादात और मामलात में एहतियात से काम लेना चाहिए, खुसूसन जब किसी चीज के नुकसान का खतरा हो। हाथ धोने का हुक्म वजूब के लिए या इस्तेहबाब के लिए, इसका मैंने राजे आपको बता दिया है कि ये मतलब इसके अंदर सबसे बेहतरीन यही है कि अगर उसको यकीन है कि नजस है तो धोना वाजिब है, और अगर यकीन नहीं तो फिर मुस्तहब और अफजल है लेकिन लाजिम नहीं है। इस हदीस में एक कायदा अखज होता है, कायदा ये कि अल यकीन ला यजूद बिशक,
तो यकीन जो है उसको शक के जरिए जायल नहीं किया जा सकता। अगर आपको किसी मसले में यकीन है और फिर उसके ऊपर कोई शक आ जाता है जहन में, तो आपको यकीन नहीं छोड़ना चाहिए जब तक आपको जो है वो शक के मुकाबले में, यकीन के मुकाबले में यकीन ना आ जाए। यकीन के मुकाबले में यकीन आ जाए तो यकीन जिस चीज का है उसको आप खाली शकोको शुबहात की बुनियाद पे ना छोड़ दें। अब यकीन असल ये है कि आपका वुजू, आपके हाथ पाक है, लेकिन अगर आपको शक तारी हो जाता है तो फिर हम कहेंगे कि जब तक यकीन ना हो जाए उस वक्त तक जो है वो आप उस यकीन को जो है वो ना छोड़ें जो पहला यकीन है। तो यकीन यकीन से जायल होता है, शक से जायल नहीं होता। इसके बाद ये कि क्या हुक्म रात की नींद के साथ खास है या सुबह भी, तो इसके मैंने राज्य बता दिया कि असल रात के लिए, क्योंकि हदीस के आखिर में है पैना उला यदरी ऐना बात यद, वो नहीं जानता कि उसके हाथ ने रात कहाँ गुजारी। लेकिन यह है कि अगर सुबह इंसान इतनी गहरी नींद सोया हुआ उसे शऊर नहीं और शक है कि हाथ नजस हो, यह मतलब ये, तो फिर उसको अफजल और औला यह है कि वो हाथ धो ले और इंशाल्लाह उसको जो है वो इस हदीस पर अमल करने का अजर व सवाब भी मिलेगा। इसके बाद हमारे पास जो है वो हदीस नंबर 39 है, लकीब बिन सबेरा रजी अल्लाह तआला की हदीस, कौन पढ़ेगा आप में से? आप पढ़ें किश्वर, आप पढ़ें किश्वरा, सॉरी, या कसवरा है? يسكت الصراحة. وعن لطيف بن صبرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، أخرجه الأربعة وصححه ابن خزيمة ولأبي داود في رواية: إذا توضأت فمضمض. أحسنتي. तो यहाँ इस हदीस में अच्छी तरह वुजू करने का बयान है और अच्छी तरह वुजू करने का हुक्म है और उंगलियों के दरमियान खलाल करने का और नाक में पानी चढ़ाते हुए मुबालगा करने का, इल्ला के रोजे की हालत में इंसान हो तो फिर मुबालगा ना करे। और इसी तरह जो है वो वुजू के अंदर कुली का हुक्म दिया गया है, नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है। इसमें जो रावी है हदीस के हजरत लकीब बिन सबिरा है, लकीब इनका पूरा नाम जो है लकीब बिन सबिरा बिन अब्दुल्ला बिन अल मुंतफिक बिन अल मुंतफिक अबू रजीन इनकी कुनियत है रदी अल्लाह तआला, मशहूर सहाबी हैं और इनका ताल्लुक ताइफ से है, ये ताइफी हैं, ये ताइफी हैं यानी ताइफ से इनका ताल्लुक है। और हजरत लकीत बिन सबरा रदी अल्लाह तआला से इनके बेटे आसिम ने और अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला ने और भी कई लोगों ने जो है वो अहादीस बयान की हैं, इनसे नकल की हैं। तो ये सहाबी जो है वो अहले ताइफ में से और मशहूर सहाबी हैं और इनके बारे में ज्यादा तफसीलात जो है वो अहादीस में मौजूद नहीं है। ये हदीस जो हमने पढ़ी है, इस हदीस को अबू दाऊद, तिर्मिजी, नसाई, इब्ने माजा और इब्ने खुजैमा वगैरह ने रिवायत किया है और इमाम तिर्मिजी ने इस हदीस के बारे में कहा है हदीस उन हसन उन सही, और हाफिज इब्ने हजर रहमहुल्लाह तआला ने कहा है कि हादा हदीस उन सही। इसी तरह इस हदीस को यहिया बिन सईद अल कत्तान रहमहुल्लाह तआला और कई एक मुहद्दिसीन ने सही करार दिया है, हदीस के नंबर जो है वो मौजूद है। हदीस में कई एक अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं जैसा कि असबिगिल वुदूआ, ये असबिग जो है ये असबागा युसबिगु इस बाग से फेल अमर है, फेल अमर है असबिग असबिग। तो इसका माना क्या है, क्योंकि अमर है हुक्म है यानी वुजू को अच्छी तरह करो और हर उजुब को धोते हुए उसका हक अदा करो, उसका हक दो। तो ये है इस बाग, जैसे कि आगे इसकी मजीद वजाहत आएगी, खलिल बैन अला साबे और खलाल कर, ये खलला युखल्लिलु तखलील से है, फेल अमर है, उंगलियों के दरमियान खलाल करो यानी जो है वो दाखिल करो पानी उंगलियों के दरमियान, जहां जहां खुश्क रहने का इम्कान है वहां वहां पानी पहुंचाओ। तखलील जो है वो अरबी में खलला युखल्लिलु तखलील बाबे तफील से है, असल में खाली जगह में किसी चीज के दाखिल करने को कहते हैं, जहां कोई स्पेस है, जहां कोई फासला है या कोई खला है उसको पुर करना या किसी चीज को वहां दाखिल कर देना, ये असल में अरबी में इसको तखलील कहते हैं। लेकिन यहां मुराद ये नहीं, यहां मुराद ये है कि हाथों और पाओं की उंगलियों के दरमियानी फासले में पानी पहुंचाना वो उंगलियों के जरिए होगा, और इसका तरीका आगे हम कवायद में पढ़ेंगे कि उंगलियों में खलाल, हाथों की उंगलियों में खलाल कैसे होगा और पाओं की उंगलियों में खलाल जो है वो कैसे होगा। आगे है वबालिग फिल इस्तिंशाक, ये बाला का यो बालिग वो से फेले अमर है, वबालिग और मुबालगा कर, नाक में पानी खींचने में मुबालगा कर, हाँ अगर रोजे की हालत में हो तो फिर नहीं, क्योंकि इससे हलक में पानी उतरने का इम्कान है, इस वजह से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो है वो नाक में पानी खींचने से जो है वो मना किया है, यानी रोजे की हालत में मुबालगा करने से मना किया है।
हजरत लकीब बिन सबिरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं काला रसूलुल्लाह, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, असबिगिल वुदूआ, अच्छी तरह वुजू करो, वखलिल बैन अल असाबे, और उंगलियों के दरमियान हलाल करो, वबालिग फिल इस्तिंशाक, और मुबालगा कर इस्तिंशाक, नाक में पानी जो है वो खींचने में, इल्ला अन तकूना साइमन, यानी नाक में पानी ऊपर तक खींचो, ऊपर तक ले जाओ ताकि मुकम्मल नाक साफ हो जाए, इल्ला अन तकूना साइमन, मगर ये कि तुम रोजे की हालत में हो। अगर रोजे की हालत में तो फिर मुबालगा ना करें, लेकिन नाक में पानी चढ़ाना है या खींचना है, लेकिन ज्यादा नहीं ताकि वो हलक में ना उतर जाए। चारों ने रिवायत किया है और इब्ने खुजैमा ने सही कहा है, और अबू दाऊद के अल्फाज में ये है या उनकी हदीस में ये है, इजा तवक्का फमा, जब वुजू करें तो कुली करें। इसका मतलब ये है कि नाक में पानी खींचना और कुली करना ये वाजिब है, ये वाजिबात वुजू में से है, या वुजू के जो वाजिब करने के काम है उनमें से ये दो चीजें हैं, और राजे यही है। गुस्ल के अंदर अलबत्ता हुक्म मुख्तलिफ है, लेकिन वुजू के अंदर ये दोनों चीजें जो है वो राजे कौल के मुताबिक वाजिब है। हदीस का जाहिर हाथों और पाओं की उंगलियों के खलाल के वजूद पे दलालत करता है, लेकिन इसमें तफसील है, और तफसील ये है कि अगर तो हाथों और पाओं की उंगलियों के दरमियान का खला जो इसके खुश्क रहने का डर है, तो फिर खलाल करना वाजिब है, यानी पानी कम है, और पानी जब कम होता है ना तो उसके अंदर उंडेल के जब वजू किया जाता है तो उसके खलाल जो है वो उंगलियों के दरमियान का खला जो है वो खुश्क रहने का डर होता है, इम्कान होता है। तो लिहाजा अगर पानी कम मकदार में है और दरमियान की उंगलियों के फासले खुश्क रहने का डर है तो फिर खलाल करना वाजिब है, और अगर पानी वाफर मकदार में है और हर जगह पानी पहुंचने का गालिब इम्कान है तो फिर खलाल करना सुन्नत और मुस्तहब है, वाजिब नहीं है। ये जमा है तमाम रिवायात में। हाथों का खलाल करने का तरीका यह है कि एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में दाखिल करके उन्हें अच्छी तरह मला जाए, इस तरह करके, ये तरीका है। आप दोनों को या इस तरह कर लें ऊपर से, या इस तरह कर लें, दोनों तरीके सही हैं। अब ऊपर से ऐसे दाखिल कर लें उंगलियां, या फिर ऐसे कर लें, ये है। और पाओं में थोड़ा तरीका मुख्तलिफ, पाओं में आप इस तरह नहीं करेंगे कि सारे हाथ की उंगलियां दाखिल कर दें पाओं में, नहीं, बल्कि बाएं हाथ की खिंसर, बाएं हाथ की खिंसर, ये है खिंसर, बिनसर और वुस्ता और सबाबा और इबहाम, ये उंगलियों के नाम है। तो खिंसर जो है ये छोटी उंगली को कहते हैं कि छोटी उंगली को दोनों पाओं की उंगलियों में दाखिल करके अच्छी तरह मला जाए, ये पाओं की उंगलियों के खलाल का तरीका है। वुजू में इस बाल से क्या मुराद है, असबिगिल वुदू, अच्छी तरह वुजू करो। तो इसमें दो चीजें, दो तरह का इस्बाब होता है, एक तो जिसके बगैर वुजू मुकम्मल नहीं, और इससे मुराद आजा के सारी जगह को मुकम्मल धोना और उन तक पानी पहुंचाना, ये वाजिब है। कि मसलन अगर कोनिया शामिल हैं जैसे कि हमने पीछे पढ़ा, तो कोनिया जो है वो इन समेत आप बाजू को अच्छी तरह पानी पहुंचाएं, और मुकम्मल कोनियों तक, यानी कोनियों समेत, ये नहीं कि कोनियों से नीचे तक। इसी तरह जो है वो चेहरा है तो जो चेहरे की हमने हदबंदी की थी उसके मुताबिक जो है वो चेहरा धोया जाए, इस तरह पांव है तो अगर टखने उसमें शामिल है तो मुकम्मल टखने धोने चाहिए, ना कि टखनों के नीचे तक धोएं, ये मतलब है। पानी हर जगह पहुंचना चाहिए, आजाए वजू में जो जो आजाद होने जरूरी हैं उन तक पानी पहुंचना चाहिए, ये वाजिब के हद तक है, ये करना वाजिब। लेकिन इसके एक्स्ट्रा जो है इजाफी वो सुन्नत है, जिसके बगैर वुजू मुकम्मल हो जाता है लेकिन वुजू में अच्छाई बेहतरी आती है, उसमें तहसीन होती है। तो उसमें यह है कि आप आजा को दो या तीन बार धोएं, एक बार धोना तो वाजिब है लेकिन दो बार या तीन बार धोना सुन्नत है। और ये हम आगाज में वुजू के जब हमने मसाइल पढ़े थे तो मैंने जिक्र किया था, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से 3 दफा वुजू करना भी साबित है आजा को धोना, और 2 दफा भी और 1 दफा भी नबी अलैहिस्सलाम से साबित है। तो 3 दफा आप धोएं ये भी इस्तेहबाब में है, मुस्तहब है। इस तरह मल मल के धोना ये भी मुस्तहब है, वाजिब नहीं। आजा तक पानी पहुंचाना वाजिब है, लेकिन उनको मल मल के धोना ये वाजिब नहीं है, सुन्नत है, मुस्तहब है, क्योंकि ये वाजिब से इजाफी चीज है। हदीस में वुजू को मुकम्मल और अच्छी तरह करने का हुक्म है, और इसमें सुस्ती से खबरदार किया गया है, और इसमें सुस्ती से खबरदार किया गया। हदीस से यह भी फायदा हमें हासिल होता है कि जब वुजू जो कि नमाज की शुरूत में से है उसे अच्छी तरह करने का हुक्म है, तो नमाज तो अच्छी तरह पढ़नी चाहिए ना। ये बड़ा अहम फायदा है कि जब नबी अलैहिस्सलाम ने वुजू को अच्छी तरह करने का हुक्म दिया है तो नमाज तो इससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़नी चाहिए, यानी जैसे वुजू को अच्छे तरीके से करना चाहिए वैसे नमाज भी अच्छे तरीके से पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये सारा इंतमाम किस लिए हो रहा है, ये सारा इंतमाम नमाज के लिए हो रहा है। तो जिसके लिए इंतमाम इतना है उसके अंदर भी इंतमाम होना जरूरी है, नहीं कि वुजू में इंसान इंतमाम कर ले लेकिन नमाज के अंदर खुशू खुजू वगैरह ना हो, इंतमाम ही ना हो, समझ कर नमाज ही नहीं पढ़ रहा, क्या पढ़ रहा है, क्या मतलब इस चीज का पता ही नहीं है। हदीस में नाक में पानी दाखिल करते हुए मुबालगे का हुक्म है, यानी ज्यादा ऊपर तक खींचना, बशर्ते कि वुजू करने वाला रोजे की हालत में ना हो। हदीस में तहारत के वक्त एहतियात बरतने का हुक्म है,
कि हमें तहारत के अंदर एहतियात से काम लेना चाहिए, और एहतियात से मुराद ये है कि इस अंदाज में वजू किया जाए, तहारत की जाए कि कोई जो है वो नजासत बाकी ना रहे और इस तरह कोई वजू जो है वो खुश्क ना रहे। कुली और नाक में पानी चढ़ाने का हुक्म इस मसले में अगरचे इख्तिलाफ है, लेकिन राजे बात यह है कि वजू में दोनों काम करने वाजिब है, कुली करना भी और नाक में पानी चढ़ाना भी ये वाजिब है। इसकी दलील क्या है? आयते वुजू, और आयते वुजू से इस्तदलाल ये है कि अल्लाह ताला ने चेहरा धोने का हुक्म दिया है, फ़ग्सिलू वुजूहकुम वअयदीयकुम, तो वुजूहकुम के अंदर चेहरे के अंदर नाक भी है और मुंह भी है, लिहाजा कुली और नाक में पानी दोनों जो है ये वाजिब है। हजरत अबू हुरैरा की हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, इज़स्तजमरा फलयस्तजमिर वितरन, जब तुम में से कोई डेले इस्तेमाल करे तो ताक डेले इस्तेमाल करे निस्तंजा करते हुए, वइज़ा तवद्दअ अहदुकुम फलयजअल फी अन्फिही मा, और जब तुम में से कोई वुजू करे तो अपनी नाक में पानी डाल ले, तुम मलयंतज़िर, फिर चाहिए कि उसे अच्छी तरह झाड़ ले। तो यहाँ अल्लाह के नबी ने नाक में पानी डालने का हुक्म दिया है और फिर उसे झाड़ने का हुक्म दिया है, लिहाजा दोनों वाजिब। इस तरह हजरत लकीत बिन सबरा की हदीस जो अभी हमने पढ़ी है उसमें सुनन अबी दाऊद के अल्फाज हैं, इज़ा तवद्दअता फमकमिल, जब वुजू करो तो कुली करो। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने कभी भी इन दोनों चीजों को नहीं छोड़ा वुजू के अंदर, आपने हमेशा कुली भी की है, नाक में पानी भी चढ़ाया है और अहकामात भी सादिर फरमाए हैं, हुक्म भी जारी किया है, लिहाजा ये आपका हुक्म और आपका फेल दोनों और आपका हमेशगी करना, ये तीन चीजें मिल जाती हैं जिससे पता चलता है कि कुली करना और नाक में पानी चढ़ाना ये वाजिबात में से है और ये वाजिब। इसके बाद हाथों और पाओं की उंगलियों का खिलाल करने का हुक्म, तो इस पे हम बात कर चुके हैं कि अगर जो है वो पानी कम हो और उंगलियों के दरमियान उसके ना पहुंचने का इम्कान गालिब हो फिर खलाल करना वाजिब है, और अगर पानी वाफर मकदार में है और उंगलियों के दरमियान का जो खला है वो खुश्क रहने का यानी कि डर नहीं तो पानी हर जगह पहुंचने का गालिब इम्कान है तो फिर खलाल करना सुन्नत है लेकिन वाजिब नहीं है, क्योंकि खलाल का हुक्म देने का असल मकसद ये है ताकि कोई उजव खुश्क ना रहे, तो जब उजव खुश्क नहीं रह रहा हर जगह पानी पहुंच रहा है तो हुक्म ताकीद के लिए हो जाएगा, वजूब के लिए नहीं होगा, क्योंकि वजूब के लिए हुक्म तब है कि अगर डर हो खुश्क रहने का, अगर डर नहीं है तो फिर वो ताकीद के लिए ना कि वजूब के लिए। इसके बाद हमारे पास 14 नंबर हदीस है, 14 नंबर हदीस हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से, कौन पढ़ेगा आप में से जल्दी से? हमारा पढ़े आप, हमारा पढ़ रही है, चलिए। وعن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقلد لحيته يقلل وجوه كان يقلل، يقلل देखिए لحيته في देखिए एक मिनट सिर्फ देखिए, खलला युखलिल तखलील, जिसका माना होता है खलाल करना, तो जैसे सर्राफा युसर्रिफ हुआ ना, सर्राफा युसर्रिफ उसी तरह ये खलला युखलिल हुआ है। हाँ जी अहसनती, उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह तआला अन्हु का तफसीली तारुफ हदीस नंबर 33 में हम 33 नंबर हदीस के तहत पढ़ चुके हैं और गुजर चुका है। उनसे रिवायत है, बेशक नबी करीम अलैहिस्सलाम काना थे युखल्लिलु खलाल करते लिहयतहु अपनी दाढ़ी का, फिल वुदू वुजू में, लिहया जो है ये लहयैन से है और लहयैन जो है वो जबड़े को कहते हैं, ये जो लहयैन है ये दो जबड़ों को कहते हैं, हड्डी जो दोनों तरफ होती है ना मुंह के, ये दोनों तरफ इसको जबड़ा कहते हैं, तो इसके ऊपर जो बाल होते हैं इनको लहिया कहते हैं यानी दाढ़ी। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो है वो खलाल फरमाया करते थे अपनी दाढ़ी का, फिल वुदू ई वुदू में, लेकिन जैसे मैंने पीछे हमने वुजू के वाजिबात के अंदर जिक्र किया था कि दाढ़ी तीन तरह की होती है और हमने पढ़ा था कि धोना जरूरी है कि नहीं, ये सारी तफसीलात सारी गुजर चुकी है कि अगर दाढ़ी बिल्कुल छोटी और अंदर से जिल्द नजर आ रही है तो फिर दाढ़ी को धोना वाजिब है, और अगर दाढ़ी बड़ी है और घनी और गहरी है तो फिर पूरी दाढ़ी को धोना लाजिम नहीं बल्कि उसके जाहिरी हिस्से को धोना लाजिम है, जैसे कि अब्दुल्ला बिन अब्बास की हमने हदीस पढ़ी थी कि नबी अलैहिस्सलाम ने तवद्दअ मर्रतन मर्रतन, अल्लाह के नबी ने एक एक दफा वजू किया, तो एक एक दफा चेहरा धोने से जो है वो दाढ़ी नहीं धुलती, इस वजह से इससे इस्तदलाल जो है वो ये कि जाहिर को धोना पानी बहाना जरूरी है, अंदर पूरी दाढ़ी को धोना तो उसका फिर खलाल कर लिया जाएगा जैसे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम खलाल करते थे, लेकिन सुन्नत है ये वाजिब नहीं, क्योंकि आपने हुक्म नहीं दिया आपने अमल करके दिखाया है। तो खलाल का तरीका ये है कि आप हाथ गीला करके पानी का आप पीछे से दाढ़ी के ऐसे आगे की तरफ लेकर आए,
उंगलियां अंदर दाखिल करके आगे की तरफ या आगे की तरफ से पीछे की तरफ ले जाएं, दोनों तरह, लेकिन ज्यादा मुनासिब यह है कि आप जो है वो पीछे से आगे की तरफ लेके आए, क्योंकि आगे वाली साइड पे तो पानी पहले गुजर चुका है। हदीस तिर्मिजी वगैरह में है और इब्ने खुजैमा में है, और इब्ने खुजैमा ने इसे सही करार दिया है, और इस हदीस के शवाहिद भी हैं, मुताबात भी हैं, जिसकी बुनियाद पर जो है वो हदीस जो है वो इसमें अगरचे कलाम है लेकिन राजी है कि हदीस अपने शवाहिद की बुनियाद पर हसन है, हसन दर्जे की है, लेकिन हदीस में ज़ाफ है, जैसे मैंने जिक्र किया। इसमें जो है वो आमिर बिन शकीक रावी है, उलमा की कला इसमें कलाम है, और यह हदीस जो है ये इस वजह ज़ईफ है लेकिन शवाहिद इसके मौजूद हैं, लिहाजा हदीस हसन दर्जे तक पहुंच जाती है इंशाअल्लाह। हदीस से दाढ़ी में खलाल का जो है वो हमें यानी इसका इस्तेहबाब मिलता है कि दाढ़ी में खलाल करना मुस्ताहब है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का ये फेल है, आपका हुक्म नहीं, और वैसे भी हदीस में कलाम है। दाढ़ी के खलाल का तरीका ये है कि चिल्लू या थैली में पानी लेकर उसे दाढ़ी में दाखिल किया जाए और हाथ की उंगलियों को दाढ़ी में ऐसे दाखिल किया जाए जैसे कंघी जो है वो बालों में दाखिल की जाती है। मैंने इसका तरीका अभी बताया है। अलामा इब्न कय्यिम रहमहुल्लाह ताला फरमाते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम दाढ़ी का खलाल कभी किया करते थे और कभी नहीं करते थे, आपने हमेशगी नहीं की। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने दाढ़ी का खलाल करने पर हमेशगी नहीं की, कभी आप कर लेते थे कभी नहीं। इससे पता चलता है कि दाढ़ी का खलाल करना दाढ़ी को चेहरे के साथ धोने या ना धोने के बारे में हम तफसीली ये जो इख्तिलाफ है ये हदीस नंबर 33 के तहत जो पढ़ चुके हैं, लिहाजा इसको दोबारा यहाँ रिपीट करने की जरूरत और हाजत नहीं है। इसके बाद हमारे पास 41 हदीस है, अब्दुल्लाह इब्न जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु की हदीस, कौन पढ़ेगा आप में से, जल्दी से पढ़िए। जैनब आप पढ़े। بسم الله الرحمن الرحيم. وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بثلثي مدة أُتِيَ فجعل بثلثي مدٍّ، أُتِيَ بثلثي مدٍّ. مدة أوكي فجعل يدلك ذراعيه أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة. أحسنتِ. عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه، عبدالله بن زيد أنصاري رضي الله تعالى عنه، کا تفصیلی تعارف 35 نمبر حدیث کے تحت گزر چکا ہے. ये हदीस जो है इसको इमाम अहमद और इब्ने खुजैमा ने रिवायत किया और हदीस जो है वो सही है। इस हदीस में अल्फाज इस्तेमाल हुए बिथुलुसई मुद्दिन, थुलुसई ये थुलुसुन की तस्निया है, थुलुसई ये थुलुसुन की तस्निया है, और मुद जो है ये मीम के दम्मा और दाल की शद के साथ, मुद मुद्दिन ये एक शरी पैमाना है, ये एक नॉर्मल दरमियाने आदमी के दोनों हाथों के चिल्लू के बराबर होता है, यानी अगर कोई दरमियाने कद का आदमी दोनों हाथों से चिल्लू भरे किसी गल्ले का, गंदम का या किसी चीज का, तो ये एक मुद के बराबर होता है, और ये सा जिससे हम सदकातुल फितर देते हैं उसका चौथाई हिस्सा होता है, 1/4, यानी अगर 4 मुद हो तो एक सा बनता है जो हम सदकातुल फितर के तौर पर एक आदमी या एक मुसलमान की तरफ से देते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो है वो 2/3 मुद से वजू कर लेते थे और एक सा से अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम गुसल फरमा लेते थे, और ये अमली तौर पे प्रैक्टिकली अमली तौर पे जो है वो हमने करके देखा बकायदा, और बच्चों को बकायदा इसकी जो है वो हमने बकायदा अमली मशक करवाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो जो 2/3 है इससे भी कम पे वजू हो जाता है, और मुमकिन है ये बईद नहीं है। तो अब्दुल्लाह इब्ने जैद रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि बेशक नबी अलैहिस्सलाम उतिया लायक है बितुलुतई मुद्दिन, 2/3 मुद का पानी, यानी 2/3 मुद पानी का, पजाला यदलुकु दिराई ही, तो अल्लाह के नबी शुरू हुए यदलुकु, दाला का यदलुकु हमारा था मलना, दाला का यदलुकु आप शुरू हुए मलने लगे दिराई ही अपने बाजुओं, यानी चूंकि पानी कम था इस वजह से जब पानी कम हो तो फिर मलना पड़ता है ताकि आजा खुश्क ना रह जाए, तो अल्लाह के नबी साथ पानी उड़ेल रहे थे और साथ आप जो है वो अपने जो है वो अपने बाजू को मल रहे थे। हदीस का ये एक जुज है, वगरना मुकम्मल हदीस पीछे हमने जिक्र किया है कि मुसन्निफ ने हजरत उस्मान की हदीस को बुनियाद बनाकर दीगर अहादीस में से सिर्फ मतलूबा मसला जिक्र किया है जो उस जिससे वो इस्तदलाल करना चाहते हैं। तो यहाँ अब्दुल्ला बिन जैद से मुकम्मल वजू का तरीका मरवी है, लेकिन यहाँ सिर्फ जो है वो नबी अलैहिस्सलाम कितने पानी से वजू कर लेते थे, और आप सल्लम जो है क्योंकि पानी कम होता था इस वजह से आप अपने अज़ा को मलते भी थे ताकि जो है वो कोई हिस्सा जो है वो खुश्क ना रह जाए। हदीस में इस मसले का बयान है कि वुजू में पानी कम इस्तेमाल करना मुस्तहब है, इस तरह गुसल में जैसा कि इसके बारे में अहादीस में वारिद हुआ है, लेकिन इससे ये हरगिज मुराद नहीं कि हदीस में मस्कूरा मकदार से तजावुज करना जायज नहीं,
बल्कि इसमें एतबार वुजू को अच्छी तरह करने का है, वो कम पानी में हो जाए या ज्यादा पानी में हो जाए, लेकिन पानी में इसराफ से काम नहीं लेना चाहिए, पानी में हद से ज्यादा उसको जाया नहीं करना चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अनकरीब मेरी उम्मत में ऐसे लोग आएंगे जो दुआ में और तहारत में जो है वो मुबालगा करेंगे और उसमें ज्यादती करेंगे, तहारत में और दुआ में ज्यादती करेंगे यानी हद से बढ़ जाएंगे। तो तहारत में ज्यादती करने का, हद से बढ़ने का मतलब ये कि पानी को जाया करेंगे, बार बार धोएंगे या इस तरह करके। हदीस में वुजू के अज़ा मलने के इस्तेहबाब का बयान है, हदीस में ये बयान है कि नबी अलैहिस्सलाम तहारत के वक्त इसराफ से बचते थे और सिर्फ जरूरत के मुताबिक पानी इस्तेमाल करते थे, पानी का जया नहीं करते थे, और सलफ सालेहीन और आइम्मा से पानी को जया करने की ममानत जो है वो कई अहादीस में वारिद है। इसके बाद 42 नंबर हदीस हमारे पास है, 42 नंबर हदीस। वानहू यानी अब्दुल्ला बिन जैद से रिवायत है, वो बयान करते हैं अन्नहू रआ, उन्होंने देखा नबी अलैहिस्सलाम को या खुदुल उदुनैही माअन, वो लेते थे अपने कानों के लिए पानी, खिलाफ अल माही, इलावा उस पानी के, अल्लदी अखद अल इरासी, जो आपने अपने सर के लिए लिया होता था। अखरज अल बहकी से इमाम बहकी ने रिवायत किया, वह हुआ इंद मुस्लिम, और इमाम मुस्लिम के यहाँ मिन हाद अल वजही इन अल्फाज के साथ है, बिलफ इन अल्फाज के साथ, यानी इसी सनद के साथ इमाम मुस्लिम ने भी इसे रिवायत किया है। उसमें है वह मसा बी रसी ही, उन्होंने मसा किया अल्लाह के नबी ने अपने सर का, बीमा इन पानी के साथ, गैर फदल यदई ही, इलावा अपने हाथों के बचे हुए पानी से, वहु अल महफूज, और यही जो है वो महफूज हदीस है, यानी यही हदीस जो है वो महफूज है। हदीस के दो तरीक हैं, नीचे उसका हवाला मौजूद है, पहला तरीक और दूसरा तरीक, जिसे इमाम मुस्लिम ने अपनी सही में रिवायत किया है। पहली रिवायत जिसमें कानों के लिए नया पानी लेने का जिक्र है, इसको अब्दुल्ला बिन वहब से बयान करने वाले हैसम बिन खारजा हैं, जो कि सिका है। जबकि दूसरी रिवायत में जिसमें सर के मसे से बचे पानी के साथ ही कानों के मसा करने का जिक्र है, इसे अब्दुल्ला इब्ने वहब से बयान करने वाले तीन रावी हैं। देखें, और ये कायदा है कि जब फिका किसी औसत की मुखालफत करे तो उसकी रिवायत शाज होती है, तो यहाँ ये औसत है, ये औसत है और ज्यादा है, और जो वो पहले रावी जो है वो अकेले है, लिहाजा ये अपने से ज्यादा फिका की मुखालफत कर रहे हैं। तो इस सूरत के अंदर क्या है कि वो रिवायत महफूज होगी जो औसत की है, और जो सिका रिवायत कर रहा है वो जो है वो शाद शुमार होगी और उस पर अमल नहीं होगा। तो गैरा फदल यदही, अपने हाथों से बचे पानी के अलावा, अपने हाथों से बचे पानी के अलावा, तो ये हदीस का माना है, यानी इमाम मुस्लिम के यहाँ हदीस में सनद से इन अल्फाज, यानी इन अल्फाज का तर्जमा ये बनता है, और आपने मसा किया अपने सर का उस पानी से जो आपके हाथों से बचा हुआ नहीं था, जो आपके हाथों से बचा हुआ नहीं था, मतलब ये है कि आपने जो है वो उस पानी से किया जो हाथों से बचा हुआ नहीं था, यानी कि सर के मसे के लिए नया पानी लिया और कानों के लिए नहीं, और कानों के लिए नहीं। इस मसले को मजीद वाजे करने के लिए मैं ये कहता हूं कि सर से पहले हम बाजू धोते हैं, सर से पहले हम बाजू धोते हैं, तो मुराद ये है कि जिनसे आपने बाजू धोए, जिस पानी से आपने उससे मसा नहीं किया, बल्कि सर के मसे के लिए अलग पानी लिया है, सर के मसे के लिए अलग पानी लिया है, लेकिन कानों के लिए पहली हदीस में जिक्र है, दूसरी हदीस में जिक्र नहीं है। तो कानों के लिए नया पानी लेना ये सही हदीस से साबित नहीं, जिस हदीस में मौजूद है वो हदीस शाज है, और महफूज हदीस वो है जिसमें जो है वो सर के मसे से बचे हुए पानी से ही जो है वो कानों के मसे करने का जिक्र है, और यही ज्यादा राजी है। बाकी मजीद तफसीलात आप बाद में इसमें देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो अगली हदीस है, अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला की हदीस है, फरमाते हैं मैंने सुना अल्लाह के नबी से आप फरमा रहे थे, इन्ना उम्मती यातुना यौम अल कयामती गुर्र मुहज्जलीन मिन अथरिल वुदू, फमन इस्तता मिनकुम अन युतीला गुर्रतहु फलयफअल, मुत्तफकुन अलैहि वल लफ्ज़ लिल मुस्लिम, हदीस मुत्तफकुन अलैहि है, लेकिन ये अल्फाज जो है वो इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह तआला की सही में जो है वो मौजूद है, और रावी का तआरुफ गुजर चुका है, और हदीस में मन इस्तता मिनकुम अन युतीला गुर्रतहु फलयफअल, ये अल्फाज अल्लाह के नबी की तरफ से नहीं, ये अल्फाज मुदरज हैं हजरत अबू हुरैरा की तरफ से, जो कि दर हकीकत हजरत अबू हुरैरा ने रसूल सल्लम के फरमान हुर्रा मुहज्जलीना की रोशनी में जिक्र किए, और इनसे रिवायत करने वाले रावी नुआइम अल मुजमर जो है उन्होंने हदीस में दर्ज कर दिए। हाफिज इब्न हजर फरमाते हैं कि यह हदीस का आखिरी जुमला मुझे इस हदीस के को रिवायत करने वाले सहाबाए किराम जिनकी तादाद 10 है, उनमें किसी एक की रिवायत में नहीं मिला, ना ही अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से बयान करने वाले दीगर रावियों से सिवाय नुआइम के जो है वो किसी ने बयान किया है। हजरत अबू हुरैरा से बहुत ज्यादा लोगों ने हदीस इस बयान किया इस हदीस को, लेकिन उनमें किसी ने भी ये अल्फाज जिक्र नहीं किए, मन इस्तता मिनकुम युतीला गुर्रतहु फलयफअल, के जो तुम में से अपनी सफेदी को बढ़ाना चाहे तो वो बढ़ा ले,
ये अल्फाज नहीं, इसी तरह बहुत सारे अल्फाज और मुहाक्किकीन ने इसी कौल को तरजीह दी है, जैसा कि इमाम मुंजरी है और इसी तरह शेख उलिस्लाम इब्न तैमिया है, इब्न कय्यम है और कई उलमा जिनका यहाँ जिक्र मौजूद है। इन्ना उम्मती, मेरी उम्मत से मुराद यहाँ उम्मत इजाबा है। उम्मत दो तरह की है, उम्मत दावा और उम्मत इजाबा, लेकिन यहाँ मुराद उम्मत इजाबा है। उम्मत दावा से मुराद वो उम्मत है जो अल्लाह के नबी की दावत के मुखातब है, और वो सारे हैं यहूदी ईसाई मजूसी जितने भी इस उम्मत में लोग हैं वो सारे। लेकिन उम्मत इजाबा से मुराद सिर्फ मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान जिन्होंने आपकी दावत कबूल की है। तो यहाँ बेशक मेरी उम्मत के चेहरे के आजाब, वजू के आजाब चमक रहे होंगे, मुराद वो उम्मत जिन्होंने आपकी दावत को कबूल किया और आप पर ईमान लाए और आपकी इत्तेबा की। या तू ना यौमल क्यामा, यानी जिस दिन लोग अपनी कब्रों से हिसाबों किताब और जजा के लिए खड़े होंगे। क्यामत के कई एक नाम है, जिनमें से एक योम क्यामा है, योम तगाबुन है, हार जीत का दिन, योम आखिर है, इस तरह अस्सा है, अल आजिफा है, योम जम है, अलकारिया है, योमुल फसल है, योमुद्दीन है, जजाओ सजा का यानी दिन वगैरह वगैरह कई और नाम है, जो कि अपनी जगह पर जो है वो आप इंशाल्लाह अकीदे में पढ़ेंगे या पढ़ रहे होंगे। गुर्रन ये हाल है यातूना की जमीर से, जो कि दरअसल फाइल है, और ये अगर रुन की जो है वो जमा है, और अरबी जुबान में गुर्रा उस सफेदी को कहते हैं जो घोड़े की पेशानी पर चेहरे में होती है। और इसका माना यह है कि उम्मत मुहम्मदिया के नमाजी लोग क्यामत को इस हाल में आएंगे कि उनके चेहरे वुजू के असर की वजह से सफेद और रोशन होंगे। अल्लाह ताला हमें इन कुछ नसीबों में शामिल फरमाए, आमीन। मुहज्जलीना ये यातूना की जमीर से हाल सानी है, तेरी दूसरा हाल है। और तहजील जो है इससे मुराद वो सफेदी है जो घोड़े के कदमों में होती, जो घोड़े के कदमों में होती है कि उनके हाथों और पाओं में सफेदी और नूर होगा, उनके हाथों और पाओं में सफेदी हो। हदीस में हुर्रा मुहज्जलीना कहने से नबी अलैहिस्सलाम ने वुजू के तमाम आज़ाद को जिक्र कर दिया। हुर्रन के अंदर चेहरा आ गया और मुहज्जलीना के अंदर हाथ पाँव आ गए, मुहज्जलीना हाथ पाँव और चेहरा दोनों आ गए। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हदीस की तरफ चलते हैं कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, मैंने सुना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से यकूल आप फरमा रहे थे, इन्ना उम्मती, बेशक मेरी उम्मत, या तू ना यौमल क्यामा, वो आएंगे क्यामत को गुर्रन मुहज्जलीना। गुर्रन का माना पेशानियां चमकती हुई लेकर, रोशन चेहरों के साथ, मुहज्जलीना रोशन हाथ पांव के साथ, यानी उनका चेहरे और उनके हाथ पांव रोशन होंगे, नूर होगा उनमें, मिन असर वुदूई, वुजू के असर की वजह से, यानी वुजू के निशानात। फमन इस्तता मिनकुम, ये हजरत अबू हुरैरा के आगे अल्फाज हैं, जो तुम में से इस्तेदाद रखता हो अयुतीला गुर्रताहू, कि अपनी सफेदी को ज्यादा करे, फल या फाल उसे कर लेना चाहिए। इस वजह से हजरत अबू हुरैरा का इज्तिहाद था कि वो अपने बगलों तक हाथ धोते थे, कहते थे कि जो बढ़ाना चाहे सफेदी बढ़ा ले, लेकिन ये उनका इज्तिहाद है। सहाबी का इज्तिहाद जो है वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, हमने हदीस पे अमल करना है, कूनियों समेत हाथ धोने या ना के बगलों तक, ये सहाबी का इज्तिहाद है। हदीस मुत्तफ़क़ुन अलैह है और हदीस जो है वो सही। बाकी आखिरी अल्फाज जैसे मैंने जिक्र किया कि मुदरज है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उनकी जो है वो तरफ है से ये मंसूब है। इसके बाद हमारे पास जो है वो कई एक मसाइल है। वुजू के आजाद होते हुए हद से तजावुज करने का हुक्म, राजे बात यह है कि वुजू के आजाद होते हुए हद से तजावुज नहीं करनी चाहिए, हद से तजावुज नहीं करनी चाहिए और ये जायज नहीं है। बाकी रहा मसला हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला का कि वो बगलों तक हाथ कभी कभी धो लेते थे, तो ये उनका एक इज्तिहाद है, लेकिन असल बात यह है कि मुकर्रा हद अगर कोनियां जिक्र की गई हैं तो कोनियों समेत धोना चाहिए, ना कि ऊपर तक, और इस तरह पांव घुटनों तक नहीं धोने चाहिए बल्कि टखनों तक जो है टखनों समेत धोने चाहिए। इसमें आयते वुजू दलील है, अल्लाह के नबी की सुन्नत दलील है, अल्लाह ताला ने आजाद होने की फर्जी हद को जिक्र करते हुए उसकी हदबंदी की है। अगर ये जायज होता ऊपर जाना तो हदबंदी ना की जाती, फिर फायदा नहीं था हदबंदी करने का। अकली दलील ये है कि आजा की मुकर्रा जगह से तजावुज करने से आजा एक दूसरे में दाखिल हो जाते हैं, मसलन चेहरा धोते हुए अगर मुकर्रा हद से तजावुज की जाए तो उसमें सर का हिस्सा भी आ जाएगा, और इसका मसा होता है जबकि चेहरा धोया जाता है। इसी तरह गर्दन का मसा साबित नहीं, तो अगर हम सर का मसा आगे तक ले जाएंगे तो गर्दन का मसा भी हो जाएगा, और ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये साबित नहीं है हदीस के अंदर। इसके बाद हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अनहा की हदीस है, असल में टाइम कम, इस वजह से मैं खुद जो है वो हदीस आखिर में पढ़ रहा हूँ ताकि हम जल्दी से इसको कंप्लीट करें। हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला से रिवायत है, फरमाती है, कान नबी थे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, यूजिबुहु अत्तयम्मुनु फी तनाउलिही व तरज्जुलिही व तुहूरिही व फी शानिही कुल्ली। ये हदीस जो है हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा से है, इसको इमाम बुखारी मुस्लिम ने रिवायत किया है। हदीस में यूजिबुहु अजब यूजिबु से यूजिबुहु आपको पसंद था या महबूब था। अत्तयम्मुन जो है ये तयम माना या तयम मानो तयमुन से मस्तर है, और ये उन मुश्तरक अल्फाज में से है जिनमें एक से ज्यादा मानी पाए जाते हैं।
बसा औकात इसका इतलाक किसी चीज के तबर्रुक लेने पर भी होता है, जब अल युम्न यानी या के दम्मा के साथ यानी बमाना बाबरकत, और कभी इसका इतलाक दाई तरफ और दाई जानब पर भी होता है जैसा कि यहाँ इस हदीस में। तनाउली ही अतनाउली बाब तना आला या तना आउलू से मस्तर है, इसका माना है जूता पहनना। व तरजुल ही ये रज्जला युरज्जिलु से मस्तर है तरजुलन व तरजीलन, इसका माना है बालों में कंघी करना। वफी शान ही कुल्ली, शान मामले को कहते हैं और काम को कहते हैं, यानी अपने तमाम मामलात में सिवाय बैतुल खला वगैरह जो है वो उसमें इस्तंजा वगैरह और ये मामलात के, बाकी अक्सर अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो काम है वो दाएं जानब से करते हैं। अतैशा की हदीस का तर्जमा कर ले हम। अतैशा रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है, फरमाती थी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम युजिबु तयम्मुन, आपको आपको पसंद था दाई जानिब फी तनाउली ही जूता पहनने में, व तरजुल ही कंघी करने में, व तहूरी ही और अपने तहारत के कामों में, व फीशान ही कुल्ली और हर तरह के मामला में। तो इससे पता चलता है कि दाई जानब अल्लाह के नबी को पसंद, हत्ता के जब आप जो है वो जुब्बा पहनते आप दाया बाजू जो है वो पहले दाखिल करते, जूता पहनते तो दाया कदम पहले दाखिल करते, इस तरह अक्सर कामों में आप मिसवाक करते तो दाएं हाथ से करते, चूंकि अल्लाह ताला को भी ये पसंद, इस वजह से अहले जन्नत असाबुल यमीन होंगे, इस तरह कयामत को आमाल नामे दाएं हाथ में दिए जाएंगे। और इसके अलावा जो है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो है वो अक्सर अपने अफाल जो है वो दाएं हाथ से सजा, मस्जिद में दाखिल होते हुए हम दाया कदम रखेंगे, तो बैतुल खला में जाते हुए हम बिल्कुल जो है वो उसके उलट करेंगे, जाते हुए बायां रखेंगे और निकलते हुए दायां रखेंगे, मस्जिद में जाते हुए दायां दाखिल करेंगे निकलते हुए बायां, इस तरह करके दीगर चीजें जो है हदीस से इस्तदलाल करते हुए बाद उलमा ने कहा कि मिसवाक करते हुए भी दाएं हाथ में पकड़नी चाहिए ना कि बाएं हाथ। इस हदीस में बयान है कि इंसान को अपने जिस्म और बालों की सफाई सुथराई का एहतमाम करना चाहिए, बावजूद इस्तेताद के अपने आप को मैला कुचैला फकीराना हालत में रखना इस्लामी आदाब के खिलाफ है। जिन अज़ा के ब्याह पर तहारत का हुक्म है उनमें दाएं से आगाज नहीं किया जाएगा, जैसा कि कानों का मसा है, हथेलियों का धोना वगैरह है, इसके अंदर तो साफ जा रहा है कि हम दाएं हाथ को धोएंगे तो पूरा ही धोएंगे और बाएं को फिर उसके बाद धोएंगे। आगे हदीस हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इदा तवद्दअतुम फब्दाउ बियमीनिकुम, जब तुम वुजू करो तो अपनी दाएं जानब से आगाज करो। इस हदीस को अबू दाऊद इब्ने माजा वगैरह ने रिवायत किया है, और तिर्मिजी और नसाई की रिवायत में रसूल सल्लम की कौली हदीस नहीं बल्कि आप सल्लम का फेल है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इदा लबीसा कमीसन, जब आप कमीज पहनते बदा बियमीनिही, तो अपनी दाएं जानब से आगाज करते थे। लिहाजा हाफिज इब्ने हजर ने इसके बारे में अखराजहुल अरबा ये जो कहा है ये दुरुस्त नहीं है, और ये बाब की हदीस सही है, इब्ने खुजैमा इब्ने दकीक अलईद वगैरह इब्ने मुलक्किन ने और उन्हें सही कहा और इमाम नवी ने इसे हसन कहा। इदा तवद्दअ तुम, यानी जब तुम वुजू करने लगो, इदा तवद्दअ का मतलब ये नहीं कि जब वुजू कर लो बल्कि जब वुजू करने लगो तो दाएं जानब से आगाज करो, ये हदीस का मतलब है कि जब तुम वुजू करने लगो तो फब्दाउ शुरू हो जाओ बिमयामिन को अपनी दाएं जानब से, दाएं जानब से जो है वो आगाज करना चाहिए, यानी पहले दायां हाथ धोएं दायां बाजू धोएं, इस तरह पांव धोना है तो पहले दायां फिर बायां, इस तरह करके। हदीस में वुजू करते वक्त दाएं पांव को बाएं से मुकदम करने का बयान है। बाद उलमा ने कहा कि किसी चीज का मुस्तहब होना उसके मुखालिफ यानी उलट के मकरूह होने की दलील नहीं, इल्ला के उसकी कोई दलील आ जाए। दाएं तरफ से आगाज सिर्फ वुजू के साथ खास नहीं बल्कि हर अच्छे काम में दाएं तरफ से आगाज करना मुस्तहब है, जैसा कि गुजश्ता हदीस में गुजर चुका है। कोई एतराज करने वाला ये एतराज कर सकता है कि बैतुल्ला के तवाफ के वक्त तो बैतुल्ला का तवाफ करने वाले को बाएं जानब जो है वो होता है उसका यानी काबा, इसका जवाब ये कि यहाँ तवाफ करने वाले को दाएं की दाएं जानब का एतबार नहीं बल्कि बैतुल्ला की दाएं जानब का एतबार है, यानी क्योंकि हम जब हजरे असद से शुरू करते हैं तो बैतुल्ला हमारे बाएं जानब होता है, तो यहाँ बैतुल्ला का एतबार किया गया है ना कि उसके तवाफ करने वाले का एतबार किया गया है। अकदी फायदा, हदीस में दाएं तरफ से तफाउल लेने की मशरूयत जिक्र, रसूल सल्लम को तफाउल यानी अच्छा फाल लेना पसंद था, इस वजह से आप सल्लम जब कोई अच्छा कलिमा या नाम सुनते तो खुश होते थे और कोई बुरा नाम सुनते तो उसे बदल देते, और ये नामों के अंदर भी है, चीजों के नाम, बच्चों के नाम अल्लाह के नबी बदल देते थे ताकि कोई बंदा उसे नौसत ना ले, यानी एक बंदा अगर उसका नाम बुरा है अगर उससे कोई बुराई जाहिर होती है तो कोई ये ना समझे कि शायद नाम की वजह से, तो लोगों को इससे बचाने के लिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो है वो इस चीज का एहतमाम करते थे। इब्ने तकीक अलईद ने दाएं तरफ से आगाज करने की तकरीबन 18 मुख्तलिफ सूरतें जिक्र की हैं, जिन्हें जो है मैं यहाँ बतौर फायदे के जिक्र कर रहा हूँ, यानी किन किन मुकामात पे दाएं जानब से आगाज करना चाहिए। मशरूब में जो है वो बैत करते हुए, सफ बंदी, तयम्मुम वगैरह, इमाम की दाएं जानब से सब का आगाज करना चाहिए ना कि बाएं जानब से। इसके अलावा और कई यहाँ चीजें मशहूर हैं, और क्या वुजू में दाएं उजुब से आगाज करना वाजिब है? नहीं वाजिब नहीं, बल्कि राजे ये है कि मुस्तहब है वाजिब नहीं है। और इसके अलावा अगली हदीस है,
अभी तक मेरे ख्याल में कुछ बाकी है। चलिए खैर, हम इस पे इत्तेफाक करते हैं। वल्लाहु ताला आलम, वाहकम, वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही वसल्लम।